सो हेलो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय सुप्रीम ट्यूबर ये हमारा लेक्चर टू रहेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर टू रहेगा ओवरऑल कुछ और लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर बाद में दे डाल देंगे मैं वीडियो के टाइटल में इस लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड ठीक है तो वैसे तो नेम सजेस्ट कर देता है मेथड का मेथड में क्या करना है लेकिन फिर भी हम एक डेफिनेशन देखेंगे इफ़ इन एनी इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट सिमिलर वेरिएबल्स ऑन वन साइड सिमिलर वेरिएबल्स ऑन वन साइड का मतलब मान लो हमारे पास दो वेरिएबल की डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई और एक्स ठीक है अगर हम वाई के वेरिएबल एक साइड ले जा पाएँ और एक्स के वेरिएबल दूसरी साइड ले जा पाएं तो हम कहेंगे कि हम वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं इफ़ इन एनी गिवन इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट सिमिलर वेरिएबल्स ऑन वन साइड देन वी गो फॉर वेरिएबल सेपरेबल ठीक है इस मेथड को हम थोड़े क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे देखिए ये जो इक्वेशन लिखी ये जो लिखी है ना स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए नहीं कि वेरिएबल सेपरेबल के लिए ये, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है वो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना ठीक है अब मैं ये मेथड बता रहा हूँ इसके बाद और कोई मेथड बताऊंगा इसके बाद और मेथड बताऊंगा बहुत सारे मेथड बताऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशंस में सब मेथड कोई, किस, कोई किसी कोई मेथड किसी क्वेश्चन में काम आएगा कोई मेथड किसी क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए कि कौन सा मेथड यहाँ बेस्ट रहेगा वो सबसे बड़ा स्किल सेट हो, होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बहुत सारे बच्चे एक्वायर नहीं कर पाते हैं और उस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप नहीं करेंगे इसको एक्वायर करने का सबसे आसान तरीका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन लगाइए और सारे लेक्चर ध्यान से देखिए ठीक है थीके? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है अगर आपको लग रहा है कि हम सिमिलर वेरिएबल कलेक्ट कर सकते हैं तो वेरिएबल से वेरिएबल से जाओ अगर नहीं लग रहा तो कुछ और से जाओ दूसरे मेथड से जाओ ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो इसे आपको कलेक्ट करना ज़रूरी है मतलब इस स्किल सेट को तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से ये क्वेश्चन है हमारा हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वेयर एक्स ठीक है अब हमें इक्वेशन देखते ही समझ आ जाएगा कि हम वाई के वेरिएबल को इधर ला सकते हैं एक्स के वेरिएबल को इधर ला सकते हैं ठीक है थीके? तो हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे इसमें ठीक है सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वाई मतलब जो हमारा सॉल्यूशन आएगा जो मतलब इसको सॉल्व करके इक्वेशन आएगी वो हमेशा वाई के टर्म्स में आएगी ना हम इसे इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं देर फोर वी गो फोर वेरिएबल सेपरेबल टेकिंग द वाई टर्म्स इन द डिनोमिनेटर एंड टेकिंग डीएक्स एयर सो एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट दिस द इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायेर इज टेन इनवर्स वाई द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी constant ऑफ इंटीग्रेशन एंड टेकिंग द tan दैट साइड y is equal to tan ऑफ x square by टू plus c ठीक है तो ये हमारा हो गया देख लिया कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है वेरिएबल सेपरेबल से क्यों सॉल्व हो गया है एक तो ये आसान क्वेश्चन था इसलिए सॉल्व हो गया है और दूसरा हमने क्वेश्चन देख के पहचान लिया कि वेरिएबल सेपरेबल लगेगा तो अगला देखते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन इसके कंपेरिजन में ये हमारे पास क्वेश्चन है वाई ये क्वेश्चन है ये हमारे पास इसे हमें सॉल्व करना है ये भी वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व से हो सकता है देखिए कैसे हो सकता है हम इसको राइट right साइड ले जाएं ठीक है अब हम इसका जो रूट का टर्म है ये इधर ले आए तो y और डिवाइडेड बाय वाई का रूट का टर्म इंटू डी वाई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का रूट का टर्म इंटू डी एक्स तो मतलब वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है फॉलो कर रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं जैसे मैं इस टर्म को उस साइड ले जाऊँगा ठीक है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स ऑफ रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर डीवाई डी एक्स हो जाएगा ठीक है अब मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है और इसको उस साइड ले जाऊंगा तो वाई केटम्स एक तरफ के एक्स टर्म एक तरफ तो हम सेपरेबल यूज कर सकते हैं करते हैं यूज इसको आर एच एफ मिले गए इसको डिनोमिनेटर में लाए इसको भी डिनोमिनेटर में लाए इंटीग्रेशन करा दोनों साइड अब इंटीग्रेशन करने के लिए या तो आप वन माइनस वाई स्क्वेयर को टी लेके करें ठीक है मतलब वेरिएबल लेट करके कर लें या फिर मेरे पास एक और आसान तरीका है उससे कर लें जैसे हमारे पास हाँ ये है जैसे हमें पता है कि हमारे पास मान लो कोई टी वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या आएगा वन बाई टू रूट रूट ओवर वन माइनस टी स्क्र इंटू माइनस टू टी देर फोर इसका डिफरेंसीशन क्या है माइनस टी बाय वन माइनस टी स्क्र ठीक है अब इसका इस टर्म का डिफ्रेंसीशन ये है तो इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा ये होगा ना ठीक है अब हमारे पास यही तो टर्म है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है यही टर्म है ना देखिए यही टर्म है ना माइनस एक्स्ट्रा है है ठीक तो माइनस उसे एडजस्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास है अब यहां पर देखिए माइनस नहीं है ना तो माइनस डिफ्रेंसिएशन में लगाना पड़ेगा तो डी वाई ऑफ रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर ये आएगा ना ठीक है डीवाई डीएक्स ऑफ रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पर डीएक्स भी आएंगे और ये डी वाई भी आएगा ठीक है हमने इसको इस तरह से लिख लिया ठीक है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा लेकिन यह टाइम सेविंग है ठीक है अगर आपको पता हो तो नहीं पता है तो वही टाइम सेविंग है इसमें कुछ टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आसान है अब ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया माइनस रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायेर प्लस कॉन्स्टेंट तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ी आसानी से तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये ये गेट या ये सी लेवल का क्वेश्चन नहीं है नहीं आया अभी तक कोई भी ठीक है लेकिन आ सकते हैं ये सी में तो बिल्कुल आ सकता है वेरिएबल सेपरेबल जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है मान लो डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट एक्स प्लस वाई अब यहां पर देखिए एक्स और वाई सेपरेबल नहीं है आपको देखती पता चल गया कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगाना है ठीक है देखती पता चल गया लेकिन हमारे हमें पता है कि पूरी इक्वेशन एक्स और एक्स प्लस वाई के टर्म्स में है एक्स प्लस वाई के टर्म्स में और कोई टर्म दिख रहा है आपको मान लो अगर यहां पर साइन एक्स भी होता ठीक है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे पूरी इक्वेशन एक्स प्लस वाई के टर्म्स में नहीं होती लेकिन अगर साइन एक्स प्लस वाई होता है ऐसे तो पूरी इक्वेशन एक्स प्लस वाई के टर्म्स में है ना तो हम इसको एक्स प्लस वाई को कुछ लेट कर सकते हैं ठीक है ताकि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए पूरी इक्वेशन एक्स एक प्लस वाई के टर्म्स में है हेयर एक्स एंड एक 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 वाई आर थी। नॉट सेपरेबल ठीक है लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बिकॉज एंटायर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस वाई तो अब डिफ्रेंशिएट करा दोनों साइड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स अब हमें डीवाई बाई डी एक्स ये है उसमें डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई को हम जेड लिख दिया ठीक है अब डी जेड बाई डी एक्स हो गया वन प्लस कॉस जेड ठीक है अब हम वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और जेड ठीक है हम जेड के टर्म्स डिनोमिनेटर में लिए हैं ठीक है तो वेरिएबल से प्रेबल लग जाएगा ये लग गया इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है रुके आपको बताता हूँ मैं स्टेप्स से बाइस यहाँ पर कॉस्ट टू थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है कॉस्ट टू थीटा क्या होता है कॉस स्क्र टू कॉस स्क्वायेर थीटा बाई टू माइनस वन ठीक है तो लिख दिया अब वन सेवन कैंसिल हो गया तो ये आ गया वन बाय टू कॉमन लिया बाहर कॉस वन बाय कॉस स्क्वायेर सेट बाय टू क्या हो गया सीकेंड स्क्वायेयर सेट बाय टू तो ये बन गई हमारी इक्वेशन अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन होता है ठीक है तो वन इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क् और ये बाई टू कैंसिल तो क्या बचा अब जेड की वैल्यू हमने डाल दी जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई है तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी तो ये हमारा हो गया वेरिएबल सेपरेबल सेपरेबल से, प्रेवल, से, प्रेवल से ये भी तो ये शुरू में तो नहीं लग रहा था वेरिएबल सेपरेबल लेकिन हमें दिख रहा था कि एंटायर इक्वेशन एक्स प्लस वाई के टर्म्स एक ही एक ही टर्म्स में है तो हमने उसको लेट कर लिया उस टर्म को एक नई वेरिएबल के फॉर्म में ताकि हम वेरिएबल सेपरेबल लगा पाए देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा मैंने दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं जो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होंगे एक तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन जो देखती पता चल जाए और एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें मतलब टर्म्स एक तरह से हों ताकि हम उसको लेट कर सकें ये क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन है जो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है ऐसा वाला ये हमारे पास क्वेश्चन है डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई बाय एक्स ठीक है अब होमोजीनियस बताता हूँ मैं क्या होता है आपको तो होमोजीनियस फंक्शन मैंने आपको लीनियर सिस्टम्स में ऑलरेडी पढ़ा रखा है तो आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में तो एक फंक्शन यू जो कि एफ एक्स और वाई के टर्म्स में है उसे हम होमोजीनियस कहेंगे ऑफ डिग्री एन इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई को मान लो हमने एक्स कॉमा वाई की जगह के एक्स कॉमा के वाई डाल दिया तो वो जो के डाला है वो कॉमन आ जाना चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई से और जिस पावर के जिस पावर में वो के कॉमन आएगा वो डिग्री कहेंगे हम होमोजीनियस फंक्शन की जैसे हमारे पास मान लो ये फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई ठीक है अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस प्लस से सेपरेटेड है ना प्लस के साइन से तो हम इन दोनों को अलग अलग चेक करेंगे होमोजेनिटी को जैसे मान लो यहाँ पर हमने जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर के एक्स डाला और के वाई डाला तो के क्यूब प्लस के वाई क्यूब आया तो के क्यूब कॉमन आ गया न्यूमरेटर से के क्यूब कॉमन आ गया तो डिग्री थ्री हो गई तो न्यूमरेटर इज होमोजीनियस बिकॉज डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो गई न्यूमरेटर की होमोजीनिटी की डिग्री थ्री हो गई डिनोमिनेटर की होमोजीनिटी की डिग्री वन हो गई तो ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया मतलब होमोजीनिटी का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको डिग्री तो वैसे बताने की जरूरत नहीं है होमोजीनिटी का मतलब है जहां पर के कॉमन आ पाए ठीक है तो ये हमारा मतलब है अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपने ये जो ये ये टाइप ये, ये के क्वेश्चन जो होते हैं वो होमोजीनियस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा ये मेथड ठीक है Uh, अब देखिए यहाँ पर डिग्री टू है दोनों टर्म्स की दोनों टर्म्स की डिग्री टू है तो हम के डालेंगे तो के एन कॉमन आ जाएगा सिमिलरली तो दोनों होमोजीनियस फंक्शन है ठीक है अब वेन वेन एवर द फंक्शन आर होमोजीनियस सॉल्विंग दिस काइंड नॉट किंग काइंड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन वी टेक अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है तो वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है लेकिन लगाने के लिए हमें के वाली टर्म लेनी पड़ेगी वाई इज इक्वल टू वी एक्स वी इज सम कॉन्स्टेंट ठीक है अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीवाई सॉरी वी इज़ वेरिएबल नॉट अ कॉन्स्टेंट वी इज़ वेरिएबल ठीक है तो डिफरेंशिएट करा एक्स के रिस्पेक्ट में पहले यू वी रूल लगा दिया वी पहले एक्स को डिफरेंशिएट करा तो वी आ गया प्लस एक्स वी को डिफरेंशिएट करा तो डी वी वाई डी एक्स आ गया क्योंकि वी वेरिएबल है हमारा एक्स और वाई में ठीक है देख सकते हैं आप वी क्या है वाई बाई एक्स तो वेरिएबल है एक्स और वाई में तो डिफरेंशिएट हम डी वी वाई डी एक्स देखेंगे अब इसके बाद ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी इसे हम इसमें पुट कर देंगे एक्स को ऐसे ही रहने देंगे और वाई को ये पुट कर देंगे ठीक है तो ये जो पुट करेंगे क्योंकि डिग्री सेम रहेंगी तो एक्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कटने के चांसेस रहेंगे और इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी ठीक है अब हमने पुट करा डिफरेंशियल इक्वेशन में डीवाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी एक्स स्क्वायेयर वाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन वाई की जगह वी एक्स तो वी एक्स स्क्वायेयर हो गया ये वी एक्स वाई एक्स हो गया ठीक है इसके बाद हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो आर एच एस में ये बच गया एल एच एस में ये है ही वी से वी कैंसिल हो गया तो क्या बचा डी एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर बाई वी ठीक है अब हम देख सकते हैं अगर मान लो हमारे पास ये ये टर्म्स बचेंगे सिर्फ अब इन टर्म्स में वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है ठीक है डी वी डी वी की इस तरफ एक तरफ वी ले आए एक तरफ एक्स ले गए और ये बच गया हमारे पास ये इंटीग्रेशन बच गया अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने टी ले लिया वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डी टी हो गया टू वी डी वी टी टी हो गया टू टू वी डी वी ठीक है तो यहां पर पुट करा तो वी डी वी क्या हो गया वी डी वी क्या हो गया डी टी बाई टू डी टी बाई टू पुट करा वन प्लस वी स्क्वायर की जगह डी पुट करा तो क्या आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी डी टी इस तरफ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स ठीक है अब हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी डी टी क्या होगा लॉग टी इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स क्या होगा लॉग एक्स प्लस सी ठीक है टी को अब हम क्या लिख सकते हैं टी को हम लिख सकते हैं वन प्लस वी स्क्र तो लिख दिया हमने हाफ लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी ठीक है अब हमने इसे सिंप्लीफाई करा ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद आप सिंप्लीफिकेशन देखिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करा लॉग एक्स उस तरफ लिया है ठीक है सबसे पहले ये हाफ जो है इसको ऊपर ले गए इसके पावर में ले गए तो वन प्लस वन बाय रूट मैं करके बताता हूँ आपको जैसे इसको हाफ को हम पावर में ले गए लॉग वन प्लस वी स्क्वायर का रूट हो गया ठीक है उसकी पावर हाफ हो गई तो मतलब रूट हो गया इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी ठीक है अब हम लॉग एक्स को उस साइड ले जाएंगे माइनस लॉग ए माइनस लॉग भी क्या होता है लॉग ए बाय वो लगा दिया लॉग सी को हम हम क्या लिख सकते हैं लॉग सी भी लिख सकते है, constant है। constant हैं क्योंकि दोनों ही कॉन्सटेंट हैं कॉन्सटेंट की वैल्यू हम कुछ भी रखें लॉग से लॉग कैंसिल हो गया लॉग कैंसिल करने के लिए हमने सी को लॉग सी लिख दिया वन प्लस वी स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू सी हो गया अब वी की वैल्यू डाल दी हमने वी की वैल्यू क्या है वाई बाय एक्स ठीक है तो इससे क्या हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायेयर प्लस वाई स्क्वायर हो गया सी एक्स स्क्वायेयर तो ये हो गया हमारा तीसरा टाइप का वेरिएबल uh, सेपरेबल का क्वेश्चन मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल के सारे पॉसिबल केसेस बता दिए अब गेट या ए सी और किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं ठीक है अगले लेक्चर में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक like करें सब्सक्राइब करें थैंक यू गाइस